हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इंस्टेंट कुकीज़। आज हम बहुत ही अच्छे टॉपिक पे बात करेंगे और मैं आपको दो तीन हैक्स भी बताऊंगी जिससे आप जो अदरक होती है उसको सेव करके रख सकते हैं। और ये आजकल बहुत ही ज़रूरी है, सर्दियों में हम अदरक का बहुत ही यूज़ करते हैं। तो टिप नंबर वन की तरफ चलते हैं। तो आप अदरक को ले लीजिए, उसको अच्छे से धो लीजिए, धोने के बाद में उसको अच्छे से सुखा लीजिए। तो फ्रेंड्स, मार्केट में ये जिपलॉक बैग्स आते हैं, ये बहुत ही सस्ते मिलते हैं। तो आप इनमें अच्छे से इनको रख लीजिए और रखने के बाद में इसको एकदम एयर टाइट करके आप इसे रख सकते हैं। और इसको एयर टाइट करने के लिए मैं एक पाइप की हेल्प लूँगी। इस तरीके से हम करके रख लेंगे। इस तरीके से रखने से फ्रेंड्स, आप साल भर तक अदरक को स्टोर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसको हम फ्रीज़र के अंदर रखेंगे। और इस तरीके से मैंने केले को भी करके रखा हुआ है, केले के स्लाइस का रंग चेंज नहीं हुआ। तो फ्रेंड्स, मैंने ऐसे फ्रीज़र में रखा हुआ था 24 आवर्स के बाद में मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये इसी तरीके का रहता है, इतना ही जूसी रहता है और इसी कलर का रहेगा पूरे साल भर तक और आपको कोई भी परेशानी नहीं रहेगी। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से ग्रेटर की हेल्प से हम इसे ग्रेट कर लेंगे और अदरक को हम किसी भी चीज़ में यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप चाय में, सब्जी में, जब आपको चाहिए हो तब आप इतना सा ग्रेट करके यूज़ कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, आप इसे छिलके के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। इसी तरीके से फ्रेंड्स, ये हल्दी ली हुई है, ये ताज़ा हल्दी है। ये पूरे साल तो अवेलेबल नहीं होती, बस सर्दियों में ज़्यादातर बहुत सस्ते दामों में मिल जाती है। तो फ्रेंड्स, मैंने इसको भी अच्छे से धोकर सुखाकर और ऐसे ही फ्रीज़र में रख लिया है। और इस हल्दी का आप कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं। आप तो चाहे तो वेट लॉस ड्रिंक बना सकते हैं इससे, या आप इसको ग्रीन टी के साथ यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप सब्जी में भी इसको डाल सकते हैं। तो इस तरीके से मैं इसको भी ग्रेट कर लेती हूँ जब भी मेरे को ज़रूरत होती है और इसको यूज़ कर लेते हैं। और आप तो इसको ग्रेट करके दूध में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और आपका परिवार सभी पी सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से मैं जिपलॉक बैग में डालकर एयर टाइट कर इसको यूज़ करने के बाद में वापस फ्रीज़र में रख दूँगी। इस तरीके से आपकी ये अदरक और ये हल्दी साल भर तक चलेगी फ्रेंड्स, और कुछ भी वेस्ट नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, हम दोनों को इसी तरीके से तैयार कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, आज जो मैंने ये वीडियो आपके साथ शेयर की है, ये अदरक और हल्दी को सेव या अपने प्रिजर्व करके रखने के लिए ज़्यादा टाइम के लिए, उसके लिए शेयर की है फ्रेंड्स। इसमें मैंने दो तीन टिप शेयर किए हैं आपके साथ। आपको जो अच्छी लगे तो वैसे आप कर सकते हैं, ईजी जैसा आपको सही लगे वैसा आप यूज़ कर सकते हैं। और आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर ज़रूर शेयर कीजिएगा अगर आपने भी मेरे टिप फॉलो की हैं तो। और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा अगर आपको मेरी कोई भी टिप अच्छी लगी हो तो। तो फ्रेंड्स, मैंने चाय बनाई थी तो चाय में मैं ये अदरक यूज़ कर रही हूँ। तो इस तरीके से मैंने थोड़ा सा लिया और उसको अच्छे से उबाल लिया और चाय में यूज़ हो जाएगी ये। तो फ्रेंड्स, चलते हैं हम नेक्स्ट टिप की तरफ। उसके लिए मैंने आधा किलो अदरक लिए हैं, ये मुझे बहुत सस्ते दामों में मिल गए। मतलब आप मानिए, सिर्फ 40 रुपये में मेरे को आधा किलो अदरक मिल गए हैं। तो मैंने क्या किया, इनको अच्छे से धोकर सुखा लिया है। फिर मैंने इसको चम्मच की हेल्प से छील लूँगी। अगर हम इसे चक्कू से या पोटैटो पीलर से पील करेंगे तो इसमें बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है, इसीलिए हम चम्मच से ही इसको तैयार कर लेंगे। और इस तरीके से इजीली छिल जाएगा और फटाफट आप इसको छील लीजिए। और फ्रेंड्स, याद रखिए, ये क्या कहते हैं, ये छिलके फेंकने नहीं है, इसका भी हम इस्तेमाल करेंगे। तो मेरी वीडियो में बने रहिए। इस तरीके से आप सारे के सारे छील कर तैयार कर लीजिए।
तो फ्रेंड्स मैंने सारे छील लिए हैं। छीलने के बाद में ये इस तरीके से दिखेंगे आपको, एकदम साफ़ हैं ये फ्रेंड्स। और ये जो छिलके हैं इसको हम बाद में सुखाकर अच्छे से चाय में यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इनमें भी मिट्टी वगैरह कुछ भी नहीं है, एकदम साफ़ हैं। तो फ्रेंड्स इसके हम छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे और एकदम साफ़ मिक्सर ग्राइंडर का जो जार होता है वो लेंगे, और उसमें बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए फ्रेंड्स। और आप जो भी चीज़ें यूज़ करेंगे वो बिल्कुल सूखी होनी चाहिए। अगर हम थोड़ा सा भी पानी का इस्तेमाल करेंगे तो फिर हमारी अदरक में फंगस भी लग सकता है, फिर ये ज़्यादा टाइम के लिए हम यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो इस तरीके से आपको जो भी, इस तरीके से आप छोटे छोटे पीसेस बना लीजिए। अगर अंदर कुछ भी, अगर अदरक के अंदर कुछ भी कीड़ा वीड़ा अगर आपको लगे तो आप उसको अलग हटा के रख सकते हैं। और छीलते समय भी आपको ये प्रोसेस फॉलो करना है, ऐसे ही आपको तैयार कर लेना है। छोटे छोटे क्यूब्स में काट लिया मैंने। तो फ्रेंड्स 3 स्पून हम सॉल्ट का यूज़ करेंगे। सॉल्ट हम जितना, हमने आधा किलो अगर हमने अदरक ली है तो हम 3 स्पून यूज़ करेंगे नॉर्मल स्पून, और कम अगर हम लेते हैं 200 ग्राम तो हम 2 स्पून्स यूज़ करेंगे टीस्पून्स, और उससे भी कम लेते हैं तो उस हिसाब से आप और कम कर सकते हैं। तो जो ये सॉल्ट हमारा डालने का मेन मकसद ये है कि सॉल्ट से जो हमारा अदरक है वो इजीली पिस जाएगा, बारीक पिस जाएगा, और इसका रंग भी चेंज नहीं होगा। सॉल्ट प्रिजर्वेटिव का भी काम करेगा, नेचुरल प्रिजर्वेटिव, केमिकल फ्री। 2 से 3 मिनट में ये आराम से पिस गया है। तो फ्रेंड्स इसको हम एयर टाइट कंटेनर में रखेंगे, इसको निकाल कर अच्छे से। और फ्रेंड्स मैंने इसमें बिल्कुल भी पानी का इस्तेमाल नहीं किया है, अगर हम पानी का इस्तेमाल करेंगे तो उसका कलर चेंज हो जाएगा और ये ज़्यादा टाइम के लिए हम स्टोर नहीं कर पाएंगे। तो इस हिसाब से मैंने इसको एक जार में निकाल लिया है, वो भी एकदम सूखा और एकदम क्लीन जार है, और ये एयर टाइट कंटेनर है, और इसको हम रखेंगे फ्रीज़र में। अगर आप इस तरीके से नहीं रखना चाहते, आप छोटे छोटे क्यूब्स बना के रखना चाहते हैं तो आप वैसे रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये हमारा जिंजर का पेस्ट तैयार हो चुका है, विदाउट केमिकल्स, केमिकल फ्री। और फ्रेंड्स आप मेरे को ज़रूर बताइएगा आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी, मेरे टिप्स कैसे लगे, और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स चलती हूँ मैं, फिर मिलूँगी नई रेसिपी में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।